हे मैं क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर। सो बेसिकली आज मैं यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आई एम ज़ायरा, रिसर्च स्कॉलर ऑफ एएमयू एंड आल्सो वाइस यूजीसी नेट गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन बीएफए एंड आल्सो डन मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोथ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से मैंने इस एग्जाम को 2 times क्रैक किया उनके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करने वाली हूँ जस्ट ओनली यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। जो भी स्टूडेंट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ मार्क्स रह जाते हैं, उनका नेट रह जाता है या फिर जेआरएफ एग्जाम, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले विजुअल आर्ट, जिसका पेपर कोड है 79, सिलेबस ऑफ विजुअल आर्ट लाइक अपना सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स का, इनमें 5 इलेक्टिव होते हैं, 5 इलेक्टिव जिनमें से एक ड्राइंग एंड पेंटिंग होता है, अप्लाइड आर्ट होता है, उसके बाद आपका प्रिंट मेकिंग का सेक्शन होता है, स्कल्पचर का सेक्शन होता है और एक पूरा इम्पॉर्टेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग का सेक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट, जिसको डिटेल में कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, इनके बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा रखा है, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के बारे में, लाइक लाइन, कलर, स्ट्रक्चर, शेप, स्पेस, फॉर्म, ठीक है। और एलिमेंट्स ये है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट लाइक यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फोसिस, रिद्म, प्रोपोर्शन। तो ये आपको पेंटिंग करने का एक डायमेंशन, एक तरीका बताते हैं जो आप पिछले 6 सालों में प्रैक्टिकल करके आए हुए हैं। प्रैक्टिकल के बाद ही तो ये अब नेट के एग्जाम हम लोग देने बैठ रहे होते हैं, तो इसकी तैयारी के लिए हमारा वो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, उनके बारे में नॉलेज। देन यूनिट सेकेंड में वेरियस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा और लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है। यूनिट थर्ड में कार्विंग, कास्टिंग, असेंबलाज, जिनको मूर्तिकला कहते हैं, इनका भी सेक्शन हमने आपको पढ़ाया है। सब्स्ट्रक्टिव और एडिटिव प्रोसेस, सब्स्ट्रक्टिव हमारा होता है लाइक कार्विंग और एडिटिव होता है कास्टिंग, असेंबलाज एंड मॉडलिंग, राइट। उसके बाद फोर्थ यूनिट में ये मेंशन किया गया है, देखो थर्ड यूनिट में ये भी है, पिगमेंट ऑफ इम्पेस्टो, ग्लेसिंग, जो पेंटिंग का सेक्शन है, इंटाग्लियो, रिलीफ। बेसिकली रिलीफ के 4 सेक्शन देखा जाए तो प्रिंट मेकिंग का 4 डायरेक्शन होता है, रिलीफ, इंटाग्लियो, प्लानोग्राफी, सेरीग्राफी। रिलीफ के अंतर्गत आता है वुड कट, लीनो कट और स्क्रैपर बोर्ड। इंटाग्लियो के अंतर्गत आता है प्लेटिंग, रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटेन, मेजोटेन, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी, 7 सेक्शन। फिर उसके बाद प्लानोग्राफी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ओलियोग्राफी एंड लिथोग्राफी, जो प्लेन सर्फेसेज होते हैं उस पर काम किया जाता है। फिर जो आपका नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सेरीग्राफी, जिसको हम सिल्क स्क्रीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तक क्लियर करने के बाद हमें इन्होंने यूजीसी नेट में अलग अलग टुकड़ों में बताया गया कि भाई यहाँ से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से भी पूछेंगे, यहाँ से भी पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर देख करके, सिलेबस को देख के आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। और जब आप बार बार से रिवाइज करते हो, आपके पास सारे कंटेंट्स ऑफ मटेरियल होते हैं, फिर यही चीज़ें आपको ईजी लगने लगती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है फोर्थ यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्निक प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी विजुअल प्रैक्टिसेस लाइक इंस्टॉलेशन, मल्टी कलर्स, प्रिंट, कंप्यूटर एसेट्स एक्सेट्रा, मेनी मोर, वेक्टर एंड रेस्टर, मल्टी मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आर्ट, इन सब के बारे में, एंड हाइपर रियलिज्म में क्या होता है। फिफ्थ यूनिट में कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। सिक्स यूनिट में मेंशन किया गया है स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ द प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न आर्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड वेस्टर्न विथ फोकस ऑन द विजुअल मूवमेंट्स एंड ट्रांसमिट इट्स हिस्ट्री। सिक्स यूनिट में ये मेंशन किया गया है, सिक्स क्लियर। सेवन देखिएगा, स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन आर्ट फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू 19th century अप टू 20th century, मीन्स कि प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी, राइट। अगला है इम्पोर्टेंट, 9th unit में मेंशन किया गया है, 8 कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस इन इंडियन ड्यूरिंग द 20th to 21st century विथ रेफरेंस टू आर्ट मूवमेंट मेजर एक्सपेरिमेंट्स लाइक मॉडर्न कंसेप्चुअल कंसेप्ट, एडवर्टाइजिंग, डिजाइन ऑफ विजुअल, कम्युनिकेशन एक्सप्लोरेशंस, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ा रखा है, ये भी यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है द हिस्ट्री ऑफ फॉर ईस्टर्न चाइनीज एंड सेंट्रल एशिया एंड नियर ईस्ट, एंड नेक्स्ट लास्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग विजुअल ट्रेडिशन कम्युनिकेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फोक एंड ट्राइबल इम्पॉर्टेंट क्लू ऑफ क्राफ्ट्स इंडियन एंड सिलेबस ऑफ विजुअल आर्ट्स। अब देखिए ये हमें बताया है कि 10 units है, इन 10 units को आपने ग्रेजुएशन टाइम में ही पढ़ लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट हिस्ट्री में हमें फॉर्म, आइकोनोग्राफी,
इंडियन आइकोनोग्राफी जिनमें हमें पढ़ना होता है, जिसमें आपको जैनिज्म के भी बारे में नॉलेज होना चाहिए, बुद्धिज्म के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, एंड हिंदू डेवलपमेंट ऑफ वैदिक ब्राह्मणिकल इमेज लाइक इंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर, यामा, विष्णु, शिव, शक्ति, इनके बारे में बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता है, बस इनकी सवारी पूछी जाती है और इनका इम्पोर्टेंट कलर स्कीम कुछ कुछ करके। बुद्धिस्ट आइकोनोलॉजी में देखा जाएगा तो हमें ध्यानी मानुषी बुद्धा के बारे में देखना है, अलोकितेश्वर मानुषी और मैत्रेय के बारे में देखना है, तारा कुबेर के बारे में देखना है, क्लियर। नेक्स्ट है जैन आइकोनोग्राफी, जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे 24 तीर्थांकर अच्छे से याद करा रखे हैं। फर्स्टली आदिनाथ जिनको ऋषभदेव कहते हैं उनकी सवारी भी आपको पता है, वृषभ कलर स्कीम भी पता है, गोल्डन कलर। आदिनाथ के बाद 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी, येलो कलर उनका एक कलर स्कीम है और उनकी सवारी लॉयन है। बाद में आपके बहुत सारे आते हैं जैसे पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी, बाहुबली, स्वास्तिक, यक्ष एंड यक्षी, ये सभी जैन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इंडियन स्कल्पचर, तो इंडियन स्कल्पचर में मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन स्कल्पचर, फॉर एग्जांपल प्री हिस्टोरिक टू इंडस वैली, देन मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, चोल, चालुक्य, चंदेल, इनको सबको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से। अब इनके ही अंतर्गत मैंने और भी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, बट आपके इन्होंने एग्जाम में अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्किटेक्चर, अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर फॉर एग्जांपल विथ रेफरेंस टू एंशियंट लिटरेचर एंड शिल्पा टेक्स्ट इन दिस मौर्य, ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास, सांची, भरूत, अमरावती। सांची मैंने मौर्य डायनेस्टी में आपको पढ़ाया, जिसके तोरण द्वार पे काम शुंग काल में हुआ है। भरूत मैंने प्रॉपरली शुंग काल में पढ़ाया है, अमरावती सातवाहन काल में। देन इवोल्यूशन ऑफ रॉक कट, तो रॉक कट के बारे में मैंने आपको सारे ही मौर्य, शुंग, सातवाहन में इंपॉर्टेंट क्लू बता दिए हैं, बट इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है कि मैंने आपसे लोमस ऋषि पूछना है। तो आपको बताया ना, लोमस ऋषि इज द सेक्शन ऑफ मौर्य डायनेस्टी जिसके बराबर की चार पहाड़ियां हैं, बराबर की चार पहाड़ियों पर मतलब बराबर पे जो पहाड़ी है उस पे चार गुफाएं हैं, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि। तो सुदामा सबसे ओल्डेस्ट है, लोमस ऋषि सबसे नवीन लेटेस्ट है, इनके बारे में आपसे एग्जामिनर पूछने वाले हैं। कंदरिया, उदयगिरी, खंडगिरी के बारे में पूछने वाले हैं, जो कि जस्ट ऑनली उदयगिरी के बारे में अगर देखा जाए, उदयगिरी आपका विदिशा में है, गुप्त काल की है, उदयगिरी और खंडगिरी आपका शुंग काल का है, ये जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। देन भाजा, कार्ले, कन्हेरी, अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, महाबलीपुरम, तो ये इन्होंने मेंशन किया है कि मैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल नागर, द्रविड़ और वेसर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नागर हमारे उत्तर भारत का है जिसका शेप वर्गाकार होता है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का है, आयताकार शेप होता है, एंड बेसर शैली कर्नाटका साइड हसन जिला में है। तो इनकी फर्स्ट टेम्पल कौन सी है और सबसे फेमस टेम्पल, इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट वन गुप्ता पीरियड से शुरू हो रहा है, गुप्ता, ओडिशन डेवलपमेंट, परशुरामेश्वरा, मुक्तेश्वरा, लिंगराज, कोणार्क, ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद चंदेल डायनेस्टी, प्रतिहार, सोलंकी एंड चालुक्य, होशलेश्वर इंक्लूडिंग विरूपाक्ष टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, होशलेश्वर, पल्लव, मोनोलिथिक स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, चोला टेम्पल्स एंड मार्तंडे सन टेम्पल ऑफ कश्मीर, इम्पैक्ट ऑफ ड्यूरिंग मुगल स्कूल्स, इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक में मैंने आपको बताया है सिक्स बेस्ड ऑफ इंडो इस्लामिक, लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखा जाए तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोधी, एंड आफ्टर ऑफ द लोधी वंश, इब्राहिम लोधी से युद्ध जीतने के बाद कौन जीतते हैं मुगल में, बाबर, तो फिर बाबर का इस्टेब्लिशमेंट हमारे इंडिया में स्टेबल हो जाता है। तो सिक्स बेस्ड ऑफ मुगल सल्तनत के जितने इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं इनके आर्किटेक्चर, उनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन आपको कुछ एक्स्ट्रा मुगल आर्किटेक्चर में पढ़ के जाना है, जैसे हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। एंड कॉलोनियल मॉडर्न आर्किटेक्चर में ली कॉर्बूज़िए एंड बीवी दोषी, ये इनसे पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, तो आर्किटेक्चर है कहाँ के, क्या क्या इन्होंने फ्रेम किया है, इनके बारे में आपको देख लेना है। फिर इंडियन पेंटिंग शुरू हो जाती है, पेंटिंग ऑफ कंपेरेटिव हिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक टू वॉल पेंटिंग से शुरू हो रहा है एट अजंता, लेटर म्यूरल ऑफ बाघ, बादामी, एलोरा, सतनवासा, लिपाक्षी, केरला, मतनचेरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ द ट्रेडिशनल ईस्ट ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल पाल एंड अभ्रंश स्कूल, देन मुगल, मुगल के बाद पहाड़ी, राजस्थानी, दक्कनी। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग से टुकड़ों में आपको बताया है कि मैं मुगल से ये सेक्शन पूछूंगा, पहाड़ी से, दक्कनी स्कूल से, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बट मैंने आपको कैसे पढ़ा रखा है, प्री हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैली केव्स, फिर कंप्लीट केव्स, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सतनवासा, सिकरी, एलिफेंटा, एलोरा, केव के बाद मिडल एज, पाल और अभ्रंश स्कूल, फिर उसके बाद
राजस्थानी, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी, देन पहाड़ी के बाद आपका इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है क्या कहते हैं कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल के बाद एंड ऑफ द कंपनी स्कूल मॉडर्न की शुरुआत हो जाती है बंगाल स्कूल, फिर सारे ग्रुप्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह मैंने आपको कवर कराया है, बट इन्होंने आपको बता दिया मैं इंडियन पेंटिंग में यहाँ से सेक्शन पूछने वाला हूँ। फिर मॉडर्न इंडियन आर्ट में, मॉडर्न इंडियन आर्ट में देखिएगा मॉडर्निटी ऑफ इंडियन आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा, ए वी हेवल, ए के स्वामी, स्टेला क्रैमरिश, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल ऑफ नंदलाल बोस, विनोद भाई मुखर्जी, रामकिंकर बैच, अमिता शेरगिल, यामिनी रंजन रॉय एंड इंक्लूडेड कोलकाता ग्रुप, यंग तर्कश ग्रुप के बाद कोलकाता ग्रुप, पैग ग्रुप, फिर दिल्ली शिल्पी चक्रा, चोला मंडल अप टू 1950 to 1960, ट्रेंड्स ऑफ 1970s 20 to 21 सेंचुरी, कंपेरेटिवली इंस्टॉलेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, डिजिटल वीडियोग्राफी एक्सेट्रा, मेनी मोर विजुअल आर्टिस्ट। ठीक है, अब आपको देखिए इन्होंने मेंशन किया कि मैं वेस्टर्न आर्ट में क्या क्या पूछने वाला हूँ। अब मैं अपनी हिस्ट्री सुना देती हूँ आपको, मैंने कैसे याद कराया। प्री हिस्टोरिक, देन मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, एजियन, क्रीट मायसिनिया, अर्ली क्रीट मायसिनिया के बाद फिर ग्रीक, एट्रस्कन, रोमन, फिर मिडिल एज शुरू हो जाता है अर्ली क्रिश्नाटिक, बाइजेंटाइन, रोमनेस्क, गॉथिक, एंड ऑफ द गॉथिक, फिर आपका रेनेसा स्टार्ट होता है अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा, एंड ऑफ द रेनेसा फिर आपका शुरू हो जाता है मैनरिज्म, जिसको रीतिवाद कहते हैं। तो मैनरिज्म इज द सेक्शन ऑफ, मैनरिज्म आपका कौन सा सेक्शन है, रीतिवाद, पोस्ट रेनेसा का, उसके बाद एंड होकर के फिर आपका स्टार्ट हो जाता है बरोक, देन रोकोको, फिर रोकोको के बाद एक इम्पॉर्टेंट 1850 की कला, न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इंप्रेशनिज्म, पोस्ट इंप्रेशनिज्म, न्यू इंप्रेशनिज्म, फेविज्म, फ्यूचरिज्म, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, दादाइज्म, सरलिज्म, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट, मॉडर्न ट्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मिनिमलिज्म, कंसेप्चुअल, फ्लावरिज्म एंड आर्ट, बॉडी आर्ट, लैंड आर्ट, इन्वायरमेंटल आर्ट, ग्राफिटी, प्रोसेस आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इंस्टॉलेशन, न्यू फिगरेटिव एंड हैपनिंग फेमिनिन गे आर्ट। ठीक है, एंशिएंट नियर ईस्ट में इन्होंने मेंशन किया है सुमेर, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया के बारे में, मीन्स की मेसोपोटामिया का इन्होंने अलग से एक लाइन सेक्शन मेंशन कर दिया। एंड आर्ट फॉर ईस्टर्न, सेंट्रल ऑफ द साउथर्न, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द इंडियन एंड द एंशियंट कल्चर, फॉर एग्जाम्पल शेंग, ज़ो एंड हैन डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, ये सब आपका हेनेवा पोएट्रीज पूछा जाता है, टैंग ऑफ गैंजी करके, जापानीज स्क्रॉल पेंटिंग एंड हिनेवा वुड कट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये बेसिकली सेक्शंस ऑफ चाइनीज आर्ट एंड जापानीज आर्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। स्पेशली अंकोरवाट टेम्पल के बारे में, जावा इंडोनेशिया का, बेरोगदूर स्तूप भी पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आपका एक सेक्शन शुरू हो रहा है इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट, फर पेंटिंग, पिछवाई, कवेट पेंटिंग एंड पटचित्र, बंगाल, उड़ीसा, मधुबनी, मिथिला पेंटिंग ऑफ बिहार, वाली पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र, पिथौरा पेंटिंग ऑफ गुजरात एंड ढोगरा ब्रॉन्ज कास्टिंग इंक्लूडिंग वुड कार्विंग एंड वुडन डॉल्स, कठपुतली, कर्नाटका, बंगाल, मध्य प्रदेश, पपेट पेंटिंग्स, लेदर पेंटिंग एंड ट्रेडिशनली टेक्सटाइल्स ऑफ बनारस, कांचीपुरम, गुजरात, उड़ीसा, टाई एंड डाई एंड ऑल्सो इंक्लूडेड कांथा, फुलकारी, चंबा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपका पहला इलेक्टिव कवर हो गया, सेकंड इलेक्टिव शुरू होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिसमें से आपको एस्थेटिक के बारे में पढ़ के जाना है, इंडियन एस्थेटिक, वेस्टर्न एस्थेटिक एंड हिस्ट्री एंड ड्राइंग ऑफ इंडियन आर्ट, वही सेम इंडियन आर्ट जो मैंने बताया है यहाँ पे बताया जा रहा है, इंडियन आर्ट में जितनी पेंटिंग्स है उनको पढ़ के जाना है। वेस्टर्न आर्ट की पेंटिंग सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने वेस्टर्न आर्ट एक्सप्लेन किए थे, ये बता रहे हैं यहाँ पे इनकी पेंटिंग पढ़ के जाना है, और वहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ के जानी थी, मेथड्स एंड मटेरियल लाइक कैनवस, पेपर, वॉल सरफेस, पेंसिल्स, ऑयल पेंटिंग, ट्रेडिशनल एंड मेथडोलॉजी ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एंड फ्रेस्को, सेको एंड फ्रेस्को, ब्यूनो, वाटर कलर, ऑयल कलर, पेस्टल्स, क्रेयॉन, एक्रेलिक एंड टेक्निक्स ऑफ पिगमेंट्स एंड कलर्स हार्मनी। अगर अभी तक आपके पास इनके नोट्स नहीं है तो नोट्स आप मुझसे ले सकते हो, किस तरह से मैं कम टाइम ड्यूरेशन में कैसे सेलेक्ट हुई हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे क्लू मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। आर्ट स्कूल्स एंड आर्ट एजुकेशन लाइक इंट्रोडक्शन टू द फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट थ्रू द कॉलोनियल ऑफ स्कूल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, कोलकाता, लाहौर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर एंड ऑल्सो इंक्लूडेड शांति निकेतन, बड़ौदा, ऑल गैलरीज, ऑल पब्लिक आर्ट एंड आर्टिस्ट। इलेक्टिव थर्ड में आपको अप्लाइड आर्ट पढ़ के जाना है, हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड आर्ट लाइक एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इनोवेशन एंड मूवमेंट, जिसमें कैलीग्राफी, टाइप फेस, फॉन्ट्स,
फैमिलियर सब्जेक्ट्स ऑफ कैलीग्राफी, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी ऑफ लेटर्स, क्लासिकल टाइप्स ऑफ साइज, टाइपोग्राफी, जापनीज, रोमन एंड चाइनीज, पर्शियन, इन सभी के बारे में नॉलेज रखना है. डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस ऑफ रेस्ट लेटर प्रेस, ग्रेवर, सिल्क स्क्रीन, इनके बारे में देखना है. मूवमेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस ग्राफिक डिज़ाइन, आर्ट नूवो, द आर्ट ऑफ फार, ISM, द आर्ट ऑफ फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, डे स्टाइल, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड आर्ट ऑफ आर्ट क्राफ्ट मूवमेंट, बाहाउस मूवमेंट, टाइपोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, हिस्ट्री, इलस्ट्रेट, मॉडर्न, फिजिकल एंड न्यू वेव, पोस्ट मॉडर्निज्म, डिजिटल एक्सप्रेशनिज्म एंड पोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द डिजिटल फ्यूचर. एडवर्टाइजिंग फॉर्म्स एंड मीडिया में आपको देखते हैं प्रिंट, आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑप्शंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, सिनेमा, पोस्टर्स, डायरेक्ट मेल, एम्बिशियस गुरिल्ला प्रमोशन एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वायरल एडवर्टाइजिंग, बूम ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड, ट्रांजिस्ट, इनोवेशंस ऑफ मटेरियल एंड एडवांटेज ऑफ ऑल्सो इंक्लूडेड डिसएडवांटेज. फिर आपको देखना है न्यू जनरेशंस ऑफ द आर्ट फॉर्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल जापान, यूके, अमेरिका एंड आइकोनोग्राफी, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना होगा. रीडिफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, डिज़ाइन कैंपेनिंग ऑफ पैकेजिंग, फॉर एग्जाम्पल लोगो, ग्राफ्स एंड सिम्बल्स, मार्क, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको देखना है. ब्रांड्स के बारे में एंड ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में, फिल्म एंड फेस्टिवल, कैंपेनिंग प्लानिंग, स्ट्रेटेजी के बारे में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डायरेक्ट मेल, इनडायरेक्ट मेल एंड पोस्टर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स, ट्रांजिस्ट, स्लो विंडोज, पॉइंट ऑफ परचेज एंड पॉइंट ऑफ सेल्स, इनके बारे में, टीवी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन, वेब पेज डिज़ाइन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्टोरेंट वेक्टर, इंटरनेट. ठीक है, तो सिलेबस तो यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. एंड एडवर्टाइजिंग, कॉर्पोरेट एंड न्यू ट्रेंड्स, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर, विजुअलाइजर, कॉपी राइटर, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, वर्ड्स एंड लीडिंग एडवर्टाइजिंग, मल्टी नेशंस, इंडियन सिनेमेटोग्राफिक्स. इलेक्टिव फोर्थ में आपको प्रिंट मेकिंग की हिस्ट्री देखनी है, इंडियन प्रिंट मेकर देखना है, विशन प्रिंट मेकर देखना है एंड वर्क ऑफ प्रोसेस देखना है, जिनके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं. इंडियन प्रिंट मेकर में अगर फेमस प्रिंट मेकर देखा जाए, वेस्टर्न साइड एंड इंडियन साइड बहुत इंक्लूडेड, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेस्टर्न में आपके आ जाएंगे अल्बर्ट ड्यूरर, रैमब्रा, होगार्ट, विलियम होगार्ट, गोया, गॉगेन एंड दिगास, तुलुस लोत्रे, दोमिए, जर्मन एक्सप्रेस, कैंथ कैलविंस करके हैं, नॉल्डे, हैकल, जॉर्ज मुंक, पिकासो, पॉप आर्ट एंड फिगरेटिव, रोशनबर्ग, लिंचन एंड जिम डैन, डेविड हॉकनी, कृष्णा रेड्डी, पीटर डगलस, स्टैनले जॉन, पाउल लिंगरे, कर्ल समर. अब आपको इंडियन कलेब्रेशन में प्रिंट मेकर देखना है राजा रवि वर्मा, मेंबर्स ऑफ विचित्रा क्लब, मुकुल चनडे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, शांति निकेतन स्कूल, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर वैज, बिरेश्वर विश्वनाथ, विश्वरूप बोस हैं, रामानंद चक्रवर्ती हैं, हरेन दास, सोमनाथ हो, चित्तो प्रसाद, ज्योति भट्ट, कमल कृष्णा, देवयानी कृष्णा, वाई एस कुलकर्णी, जिसको वाई के कुलकर्णी शुक्ला कहते हैं एंड वसंत प्रभा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, ललिता लाजमी, नलिनी मालिनी, लक्ष्मण गौर, आर बी भास्कर एंड आर एम पलानी अपन, सनत कर, लालू प्रसाद शाह, अमिताभ दास, दीपक बनर्जी, भूपेन खक्कर एंड वुमेन चक्रवर्ती, पाउल क्ले, दीपक बनर्जी, जय झरोटिया, प्रयाग झा चिल्लर एंड अनुपम सूद, जैन पारिक, कंचन चंदर, इनके बारे में मैंने सारे नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर ना किया, और सारे अपने एक एक पॉइंट, एक एक नोट्स मैं आपको सेंड की हूँ. अब आपका लास्ट इलेक्टिव है जिनको बोलते हैं स्कल्पचर, एलिमेंट्स एंड डिज़ाइन ऑफ स्कल्पचर. देखिए, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, जो भी एक्स वाई जेड, किसी का फंडामेंटल चेंज नहीं होता है, बस आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि पेंटिंग का ये फंडामेंटल था तो थोड़ा प्रिंट मेकिंग का ये हो जाएगा. ठीक है, स्टडी ऑफ वेरियस मीडिया ऑफ स्कल्पचर लाइक क्ले, वैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वुड, स्टोन मटेरियल्स, इनके बारे में आपको पढ़कर ही जाना है.
और जितने भी स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं उनके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज रखिएगा। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपको कम टाइम ड्यूरेशन में सिलेक्शन लेना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पेड क्लासेस भी प्रोवाइड करा देती हूँ, तैयारी कराती हूँ, बहुत सारे मेरे बच्चों का, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट का JRF में सिलेक्शन हुआ है, ऑल्सो इंक्लूडेड मेनी ऑफ द स्टूडेंट नेट में भी सिलेक्शन लिए हैं, और अब तो इस बार ऐड हो गया है PhD। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट अच्छे तरीके से तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे नोट्स के थ्रू आपको सारा डेटा कलेक्ट करके अच्छे तरीके से तैयारी करने को मिल जाएगी। ओके एवरीवन, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।